So now we will discuss the part two, features of management. अब फीचर्स में कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कि अगर आप कुछ भी सेटअप कर रहे हो, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कोई तो उसका गोल होएगा. चाहे आप ये सोचो कि आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ये आपका गोल है, या आप लोगों ने सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, तो कुछ तो गोल होएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का. सो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट बेसिस ऑफ गोल्स विच शुड बी सिंपल एंड स्टेटेड क्लियरली. दो चीजों की बात करी है. एक उन्होंने लिखा है वो सिंपल होना चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने ये लिखी हुई है कि वो क्लियरली आप लोगों ने बताना है. देखो, सिंपल का मतलब और स्टेटेड क्लियरली का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई गोल बनाया है वो लोगों को तो समझ में आना चाहिए. लोग इन द सेंस के जो इम्प्लॉयज हैं, जो ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, लोअर लेवल के ऊपर जो पर्सन काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो पता होना चाहिए गोल क्या है. मैं बोल रही हूँ ज्यादा सेल्स करनी है, कितनी ज्यादा सेल्स करनी है, ठीक है, तो वो एक फिगर बतानी है कि 10,000 सेल्स महीने में होनी चाहिए, और वो हर किसी पर्सन को वहां पे पता होना चाहिए. अगर सिर्फ हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द गोल्स और बाकियों को नहीं पता, तो गोल अचीव ही नहीं होएगा. सो वो सिंपल होना चाहिए और क्लियरली बताया होना चाहिए. एक चीज मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी, आप ऐड कर सकते हो कि जो गोल है, ठीक है, वो आपका क्वालिटेटिव टर्म और क्वांटिटेटिव टर्म दोनों में आप लोग उसको बता सकते हो. क्वालिटेटिव मतलब जैसे आप गुड बैड, या आप क्वालिटी वाइज बात कर सकते हो कि आप लोगों ने किस ग्रेड की गुड्स बनानी है, ए ग्रेड बी ग्रेड की. या आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं ये बोलूँ कि सेकेंडली क्वालिटी क्वांटिटेटिव टर्म्स में कि आपने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, 20,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो इस केस में जैसे आपकी एग्जाम्पल दी है वो अब आप रीड करना एक बार. अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल जो दी हुई है, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू सेल 1,000 कंप्यूटर्स देन मैनेजर विल प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन. अगर आपका गोल, देखो गोल उन्होंने पहले बता दिया, गोल क्या है कि 1,000 यूनिट्स बनानी है, कंप्यूटर्स बनाने हैं, तो मैनेजर क्या प्लान करेगा. मैनेजर ये देखेगा कि कोर्स ऑफ एक्शन कैसे काम, यानी कि सीक्वेंस सेट करेगा, इम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा, और सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज अरेंज करेगा मैन मटेरियल को, कीपिंग इन माइंड द मेन टारगेट ऑफ 1,000 कंप्यूटर्स. अगर मेरे को 1,000 कंप्यूटर बनाने हैं तो 1,000 के लिए ही मेरे को पैसा चाहिए, 1,000 कंप्यूटर बनाने के लिए ही मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए. ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि अंडर यूटिलाइजेशन, या आप लोगों ने ज्यादा स्टॉक इकट्ठा कर लिया. अगर कम होएगा तो आपका वो क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन, या ओवर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, दोनों केस बीच में आ जाएंगे. सो मैनेजमेंट यूनिट्स यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. तो कहते हैं मैनेजमेंट अब क्या करेगी, सारे डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे पर्सन काम करते हैं, अब हर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पर्सन को क्या करना है, आप लोगों ने उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना है. रीजन, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया. गोल ऑरिएंटेड प्रोसेस, गोल सेट करना है, सिंपल होना चाहिए, और ऐसे सेट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेन ऑब्जेक्टिव आप लोग उसको फुलफिल कर सको. वो आपका गोल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टर्म्स में हो सकता है. और लास्ट में ये छोटा सा डायग्राम देख लेना. नेक्स्ट उन्होंने लिखा है, नेक्स्ट आपको सॉरी पॉइंट आता है, मैनेजमेंट इज प्रिवेसिव. आई थिंक पहले भी कहीं हमने डिस्कस करा होगा, प्रिवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल. आई थिंक मीनिंग में था ये चीज़. सो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल का मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर हर जगह पे ये जो है वो एप्लीकेबल है. चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी ये यूजफुल है. आगे पढ़िए, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एज इट इज रिक्वायर्ड वेदर. कहते हैं ये जरूरी चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ पे चाहिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, छोटी है या बड़ी है, चाहे वो बिजनेस है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है. तो कहते हैं हर जगह पे आपको मैनेजमेंट जो है लोगों से काम करवाना पड़ेगा. हॉस्पिटल है, वहां पे भी लोगों से काम करवाते हो. एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करो, वहां पे भी लोगों से काम करवाते हो आप. एग्जाम्पल लिखी है, अ पेट्रोल पंप इज नीड टू बी मैनेज एज मच एज स्कूल और अ हॉस्पिटल. अब पहले बात करी थी उन्होंने, कहते हैं हॉस्पिटल स्कूल्स में आपको मैनेजमेंट चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इससे भी जैसे पेट्रोल पंप की बात करो तो वहां पे लोगों से नहीं काम करवाते, करवाते वहां पे भी है. तो क्या है, इवन पेट्रोल पंप इज नीड टू बी मैनेज,
व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया यूएस जापान इज सेम. अब देखो हर मैनेजर, इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि जो इंडिया यूएस जापान में लोग काम करते हैं वो सेम है. लोगों हर जगह पे जो मैनेजर है वो प्लान करते हैं, प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, या रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्शन सब कुछ जगह पे है. तो कहते हैं मैनेजर जो काम करते हैं वो सेम है, बट हाउ दे डू इट इट मे क्वाइट डिफरेंट. तो वो करते कैसे हैं, ठीक है, करना तो है प्लानिंग, तो प्लानिंग करनी कैसे है, कैसे डिसाइड करना है, वो उनका अपना अपना तरीका हो सकता है. बट मैनेजमेंट लोगों से काम जो करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में है, हर जगह पे है. नेक्स्ट आपका आता है, मैंने थर्ड पॉइंट जो है फीचर्स हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहां पे ये लिखा हो कि वो एक बार परफॉर्म करना है, बार बार परफॉर्म नहीं करना. अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मैनेजमेंट क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन. इंटर रिलेटेड फंक्शन का मतलब अब यहाँ पे ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो आपकी जो परफॉर्मेंस को कंपेयर करूँ और उसके बाद डिविएशंस को फाइंड आउट करूँ. ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मेरे प्लान ही नहीं बने होंगे. तो इसका मतलब ये है कंट्रोलिंग फंक्शन मैं तब तक परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक मेरे प्लान ही रेडी नहीं है, ठीक है. फिर उसके बाद अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो है लोगों से काम करवाना, स्टाफिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो सिलेक्शन मैं कैसे करूँ लोगों की जब तक मेरे को ये ही नहीं पता होएगा कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करा हमने, प्लानिंग परफॉर्म नहीं करा, तो स्टाफिंग भी पॉसिबल नहीं है. तो हर फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है. इससे पहले जो एक वर्ड लिखा हुआ है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ही चलता जाएगा, आप लोग इसको हर हर बार रिवाइज करोगे. यहाँ पे एक चीज लिखी है उन्होंने, अगर डायग्राम को ध्यान से आप चेक करो, कहते प्लान बनाया. अब प्लान जब बनाते हो तो प्लान बनाने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कोई मशीनरी कुछ ठीक है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह होना चाहिए, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होनी चाहिए, ये सब कुछ होएगा तो आपने प्लान बनाया. इतनी बात तो क्लियर होगी, प्लान बनाया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, काम करना है, काम करा, फिर उसके बाद मॉनिटर चेक करा कि आपने जो काम करा है वो प्रॉपरली प्रॉपर वे में हुआ है या नहीं हुआ. फिर लास्ट में कहते मॉनिटर करने के बाद आप इवेल्युएट करोगे. इवेल्युएशन में क्या क्या आता है, दोबारा से आप चेक करने वाले हो, चेक करोगे गोल रिवाइज करने की जरूरत है नहीं है, न्यू नॉलेज चाहिए आप लोगों को, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेंट्री सेम रखनी है या चेंज करनी है. तो ये सारा एक क्या है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस, और इनको देख दे इवेल्युएशन के बाद दोबारा से आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे, प्लानिंग करोगे दोबारा से. अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, ग्रुप एक्टिविटी सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट एक पर्सन तो करेगा नहीं मैनेज, मैनेज लोगों से करवाना है तो वहां पे लोग होंगे, बहुत सारे पर्सन होंगे, ग्रुप एक्टिविटी है. क्योंकि अगर 10 बंदे एक जगह पे काम कर रहे हैं तो 2 पर्सन है उसको फॉलो नहीं कर रहे, या मैं इसका रेसिप्रोकल उल्टा बोल लूँ तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गोल बनाया है, सिर्फ 2 पर्सन जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी के 10 पर्सन उसको उस ऑब्जेक्टिव को या उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होएगा. सो ये तभी पॉसिबल है अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस गोल को अचीव करे. ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स, एवरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड अचीविंग दी गोल. बहुत सारे इंडिविजुअल आएंगे, हर इंडिविजुअल जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा किस चीज के लिए, फिर वही वर्ड आया अचीविंग दी गोल, विच गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एवरी मेंबर हैज डिफरेंट पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो कोई काम करता है, किसी को पैसा चाहिए, कोई जो है अपनी रिकग्निशन के लिए जॉब करता है, कोई टाइम पास के लिए, मतलब हर पर्सन का एक अपना जो है वो पर्पस है वो किस लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है. बट दे शुड वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. पर चाहे कहते पर्पस उनका अलग हो, पर उनका गोल क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द लास्ट पॉइंट इज द मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. इनटेंजिबल आपको पता है, मतलब जिसको आप टच सी नहीं कर सकते, बट यू कैन फील. अब मैनेजमेंट कोई बिल्डिंग तो है नहीं ना, मैनेजमेंट जो है वो आप किसको बोलते हैं मैनेजमेंट, कि मैनेज प्रॉपरली अच्छा हुआ है या नहीं हुआ, एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैनेज करा है वो हुआ है या नहीं हुआ, तो वो चीज जो है आप लोगों की, यू कैन फील दैट थिंग, बट आप लोग उसको जो है वो टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. यहाँ पे लिखा है लाइक इम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड और नॉट,
इफ दे आर सेटिस्फाइड इट मीन्स मैनेजमेंट आपकी अच्छी जा रही है, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड इसका मतलब आप में कोई ना कोई वहां पे डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम है, आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल फोर्स है.